ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 16 दिसंबर 2022 को सुबह 9:38 पर सूर्यदेव वृश्चिक राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि और अपने मित्र की राशि धनु राशि में संचरण करने वाले हैं और आगामी एक महीने तक यानी 14 जनवरी 2023 तक सूर्य धनु राशि में ही संचरण करने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। इसका मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक की समयावधि में सूर्य किन मामलों में आपको बड़ी सफलता दे सकते हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। सूर्य के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो सभी नवग्रहों में सूर्य को राजा का दर्जा प्राप्त है और एक सात्विक ग्रह माना जाता है। सूर्य को आत्मा, पिता, सरकारी क्षेत्र और मान सम्मान की प्राप्ति का कारक ग्रह माना जाता है। उसके साथ साथ सूर्य को शक्ति, अधिकार, सत्ता, सुख, गवर्नमेंट जॉब और पेट का भी कारक ग्रह माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर सूर्य का ही प्रभाव रहता है। सूर्य को समस्त जीव जगत की आत्मा का स्वरूप माना गया है। जन्म कुंडली पर सूर्य की स्थिति यदि सही हो, यानी सूर्य यदि मूल त्रिकोण उच्च राशि में बैठे हुए हो, अपनी स्वराशि में जन्म कुंडली पर हो, मित्र राशियों में हो, तो जीवन में ऐसे जातक को कई ग्रहों के खराब होने के बावजूद भी ऐसे जातक को सर्वोच्च सफलता जीवन में प्राप्त होती है। सूर्य यदि बलि हो तो जातक राजनीतिक, सामाजिक और सरकारी क्षेत्रों में कम प्रयास में बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। सूर्य बलि हो तो जातक के अंदर लीडरशिप क्षमता होती है, ऐसे जातक को मान सम्मान की प्राप्ति हमेशा होती है। वहीं सूर्य की स्थिति यदि खराब हो जाए तो हड्डियों में समस्याएं, आंखों के रोग, हृदय से जुड़ी हुई समस्या, भूख कम लगने की समस्या शरीर में दिखाई देती है। वहीं सूर्य के पीड़ित होने पर मान सम्मान की कमी, पिता तुल्य लोगों के साथ संबंधों में खराबी और ऐसे जातक को पिता का सहयोग भी बहुत कम प्राप्त होता है। सूर्य को क्षत्रिय वर्ण लाल रंग और पूर्व दिशा का प्रतीक माना जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। मीन राशि वाले जातकों, सूर्यदेव आपके राशि के छठे भाव यानी रोग भाव के स्वामी होते हैं और जो 16 दिसंबर को आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर गोचर करने वाले हैं। राशि के दशम भाव से कर्म, व्यवसाय, प्रसिद्धि, मान सम्मान के बारे में मुख्य रूप से विचार करते हैं। दशम भाव पर सूर्य को दिग्बली माना जाता है, तो मीन राशि वाले जातकों को इस परिवर्तन से काफी बड़ी सफलता इस एक महीने में सूर्य के द्वारा प्राप्त होने वाली है। सूर्य कर्म भाव पर प्रभावी रहेंगे तो 16 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक की समयावधि में कर्म क्षेत्र में आपके अंदर उत्साह और मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और पूर्व के समय से ही आपको लगातार कई प्रकार की समस्याएं प्राप्त हो रही है, तो ये दिनों में आपके लिए बेहतर स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देने वाली है। इस दौरान व्यापारिक सफलता भी जातकों को प्राप्त हो सकती है। नौकरी के क्षेत्र में यदि आप किसी प्रकार के यदि आप सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जैसे यदि आप आंखों के डॉक्टर हैं, ठेकेदार हैं, राजनीतिक जीवन में जुड़े हुए हैं, सामाजिक क्षेत्रों से यदि आपका जुड़ाव है, आप जज हैं, वकील हैं, ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ यदि आपका कोई कार्य है,
कार्य व्यवसाय के सिलसिले में यदि आप व्यापारिक जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको मान सम्मान के साथ साथ इस एक महीने में बड़ी सफलता भी प्राप्त होने वाली है। मीन राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में किसी प्रकार का कार्य व्यवसाय नहीं है और जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। इस परिवर्तन से आपके जीवन में प्रमोशन और पदोन्नति होने की भी विशेष संभावना मिलने वाली है। उसके साथ साथ आपके क्रोध में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने के लिए मिल सकती है। तो मीन राशि वाले जातकों को क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। मीन राशि वाले जातकों, दशम भाव पर सूर्य प्रभावी होकर अपने सप्तम दृष्टि से सूर्य देव आपके राशि के सुख भाव को देख रहे हैं। इस समय अंतराल में यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए बेहतर कहा जा सकता है। पारिवारिक सहयोग भी आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलने वाला है। इस परिवर्तन के दौरान अगर इस एक महीने में आपके लिए सावधानियों की जानकारी दिया जाए तो सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों को किसी भी कार्य व्यवसाय में यदि आप संलग्न हैं तो प्लानिंग करके रूपरेखा बनाकर आपको चलने की आवश्यकता रहने वाली है। पारिवारिक संबंधों में आपको अपने वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग इस एक महीने में आपको नहीं करना चाहिए तो यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ मीन राशि वाले जातकों को लर्निंग पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने नॉलेज को, जानकारी को बढ़ाने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, सूर्य को अनुकूल और मजबूत करने के लिए एक लाल रंग का रुमाल अपने पर्स में या अपने जेब में इस एक महीने में आपको रखने की आवश्यकता रहने वाली है। सूर्य को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन सूर्योदय के पहले सोकर आप जरूर उठें और ओम घृणे सूर्याय नमः नामक मंत्र का जप करें सूर्य को जल अर्ध देने के पश्चात। तांबे के लोटे में जल लेने के उपरांत उसमें कुछ रोली की मात्रा अर्पित करके यदि आप सूर्य को अर्पित करते हैं तो आपको और भी शुभ प्रभाव मिलेगा। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले वर्ष में आप बेहतर स्थितियों का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में कर पाएं इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।